हेलो दोस्तों, मैं हूं अभी दिल्ली में। आप लोग मेरे साथ घूमें दिल्ली और साथ ही साथ सारी जानकारी भी लें कि यहां पर कैसे पहुंचें, कहां पर सबसे सस्ते में रुकें, सस्ते में खाना कहां पर खाएं और कितने दिन की प्लानिंग करके दिल्ली घूमने आएं। वीडियो में कंप्लीट टूर की जानकारी देंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप ट्रैवल ब्लॉग देखना या घूमना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर आपको ऐसी ही जानकारी देते रहते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। मैं आपको पहले ही बता दूं कि दिल्ली टूर की वीडियो 2 या 3 पार्ट में आएगी, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लें, उसमें मैं नैनीताल से बस पकड़कर सीधे दिल्ली आ गया। अगर बात करें कि दिल्ली कैसे पहुंचे, तो दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और यहाँ के लिए आपको हर छोटे बड़े शहर से बस, ट्रेन व फ्लाइट आसानी से मिल जाएंगी। आप चाहें तो बस या ट्रेन से आ जाएं, लेकिन अगर आप दूर से आते हैं जैसे कोलकाता, चेन्नई, हावड़ा वगैरह से, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फ्लाइट लें, क्योंकि अगर आप बस या ट्रेन से आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे और बाद में दिल्ली में घूमने का पूरा मज़ा नहीं ले पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग मेरी तरह बहुत ज़्यादा बजट ट्रैवलर हैं तो फिर आपको ट्रेन से ही आना चाहिए, क्योंकि यह सबसे चीफ होगा। अब बात करते हैं कि दिल्ली को पूरा एक्सप्लोर करने में कितने दिन का समय लगेगा। अगर आप लोग सही से एक्सप्लोर करते हैं तो 3 से 4 दिन का समय कम से कम आपको चाहिए, और अगर आप लोग इसको केवल ऐसे ही देखना चाहते हैं तो 2 दिन और 1 रात में आप इसको पूरा कर सकते हैं। इसके लिए दिल्ली टूरिज्म ने हो बस चलाई है, जिसमें बिठाकर आपको पूरी दिल्ली घुमाते हैं, जिसका खर्चा भी केवल 1500 से 1600 रुपए ही है। अगर बात करें कि दिल्ली में कहाँ पर रुकें, तो पूरी दिल्ली में होटल की स्टार्टिंग प्राइस अधिकतर 1000 रुपए से ही है, तो आप चाहो तो पूरी दिल्ली में कहीं पर भी रुक सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप अपने घूमने की डेस्टिनेशन के आसपास ही होटल लें। होटल बुक करने से पहले आप लोग एक बार नेट पर रेंट वगैरह जरूर चेक कर लें, क्योंकि ऑफलाइन में कभी कभी बहुत ज्यादा हाई रेट बता देते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो दिल्ली में हर जगह पर हॉस्टल मिल जाएंगे, तो आप लोग हॉस्टल में भी रुक सकते हैं, जिसका रेंट 400 से 1200 रुपए तक पड़ सकता है। अब अगर बात करें कि खाना कहां पर खाएं और यह कितने रुपए का पड़ेगा, तो आप लोग खाना कहीं पर भी खा सकते हैं। आपको दिल्ली में हर जगह पर खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पर्याप्त मिल जाएंगे, और आपको यहाँ पर स्ट्रीट फूड भी मिल जाएगा, जो कि आपको 100 से 150 रुपए में भरपेट मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग दिल्ली हाट, चांदनी चौक, कैनॉट प्लेस पर भी खाना खा सकते हैं। अभी बात करते हैं कि दिल्ली में घूमने की शुरुआत कहां से करें, तो इसके लिए भी डिपेंड करता है कि आप कहां से आ रहे हैं। क्योंकि मैं नैनीताल से आया और नैनीताल की बस दिल्ली के ही बस स्टैंड पर आकर रुकती है, जो कि आनंद विहार में है, तो फिर मैंने इधर से ही घूमना शुरू कर दिया। मैं सबसे पहले जा रहा हूं एक ऐसी जगह पर जो कि दिल्ली के साथ साथ इंडिया की भी शान है, वो जगह है इंडिया गेट। इंडिया गेट आनंद विहार से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे तो यहाँ पर और भी बहुत से प्लेस हैं जो कि आनंद विहार के पास में पड़ते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इंडिया गेट से ही घूमना शुरू किया जाए। इंडिया गेट राजपथ न्यू दिल्ली में पड़ता है। इंडिया गेट एक वॉर मेमोरियल है, यानी ये हमारे देश के लोगों की शहीदी पर बनाया गया था। इसको 12 फरवरी 1931 में बनाकर तैयार किया गया। इसकी हाइट 42 मीटर है। ये उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो 1914 से 1919 के बीच में हुए बार में शहीद हुए थे। इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सेंट्रल सिक्योरिटिकल स्टेशन, जो कि इंडिया गेट से लगभग 2.3 किलोमीटर की दूरी पर है। इंडिया गेट पर एंट्री की कोई फीस नहीं है। इंडिया गेट के पास में ही गार्डन है। इसके बाद आप लोग राष्ट्रपति भवन पर भी जा सकते हैं, जहाँ पर हमारे देश के राष्ट्रपति रहते हैं। यह इंडिया गेट के एकदम सामने ही पड़ता है। यह सेंट्रल सिक्योरिटिकल मेट्रो स्टेशन के पास में है, तो आप चाहें तो पहले राष्ट्रपति भवन घूमकर बाद में इंडिया गेट घूम सकते हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर जाने के लिए आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। इसके अंदर एक म्यूजियम भी है और इसमें 340 से भी ज्यादा कमरे हैं। हालांकि कुछ ही जगह पर आपको जाने की परमिशन मिलती है। अंदर कैमरा, फोन, बैकपैक वगैरह कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है, तो मैं आपको कुछ नहीं दिखा पाया। भारत का राष्ट्रपति भवन दुनिया का सबसे बड़ा प्रेसिडेंटल रेजिडेंस है। इसके पास में ही मुगल का शाही बाग भी है, जिसको मुगल गार्डन कहते हैं। आप लोग यहाँ पर भी जरूर जाएं, इसकी कोई एंट्री फीस नहीं है। आप लोग राष्ट्रपति भवन आए हैं और पार्लियामेंट ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? पार्लियामेंट राष्ट्रपति भवन से 5 मिनट की दूरी पर है। यहाँ पर भी आप लोग जरूर आएं, यह कैनॉट प्लेस पर ही लगता है। पार्लियामेंट 26 जनवरी 1950 में बनाई गई। पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, राज्यसभा और लोकसभा। Thank you.
मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन सबको एक ही आर्किटेक्ट ने बनाया है। वैसे तो पार्लियामेंट में अंदर जाने के लिए आपको स्पेशल पास की जरूरत पड़ती है, तो पार्लियामेंट में अंदर जाना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी इसके आसपास के नजारे आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे, तो आप लोग यहाँ पर जरूर आए। अभी मैं पहुंच गया हूँ पुराना किला, जो कि दिल्ली जू के पास में ही है। इसको हुमायूं ने बनवाया था। यह 1538 में बनकर तैयार हुआ। यहाँ की एंट्री फीस केवल 25 रुपए है। यहाँ की बिल्डिंग पुरानी होने की वजह से थोड़ी बहुत टूटी फूटी लग रही है, और इसीलिए यह बहुत ज्यादा अच्छी भी लग रही है। यह हर दिन खुला रहता है, तो आप लोग सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। इसके बाद अब मैं पहुंच गया हूं नेशनल जूलॉजी पार्क यानी दिल्ली जू में, जो कि पुराना किला के पास में ही है। यह फ्राइडे को बंद रहता है। इसके अलावा 6 दिन सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुला रहता है। यहां पर बहुत से जानवर हैं, लेकिन यहां पर डियर, हिप्पो, हाथी वगैरह तो आराम से देखने को मिल जाते हैं, लेकिन शेर वगैरह इतनी जल्दी दिखता नहीं है, लेकिन मुझे यहां पर शेर भी देखने को मिला। इसकी एंट्री फीस की बात करें तो एडल्ट की 80 रुपए है और बच्चों की 40 रुपए। यहाँ पर 5 साल से छोटे बच्चों की कोई टिकट नहीं लगती। यहीं पास में ही एक क्राफ्ट म्यूजियम है, जहाँ पर आपको एकदम गांव के जैसा सब कुछ देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग शहर में रहते हैं तो यहाँ पर जरूर ही आएं। यहाँ की एंट्री फीस भी केवल 20 रुपए है और यह मंडे को बंद रहता है, तो आप लोग यहाँ पर मंडे को ना आएं। क्राफ्ट म्यूजियम के बाद मैं गया नेशनल साइंस सेंटर, जो कि क्राफ्ट म्यूजियम के एकदम पास में ही है। क्राफ्ट म्यूजियम से लगभग 200 मीटर की दूरी पर साइंस सेंटर स्थित है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत से साइंस के प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग साइंस में और साइंस एक्टिविटी में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ पर जरूर ही आए। इसी के साथ साथ यहाँ पर हिस्ट्री म्यूजियम भी है। इसकी एंट्री फीस 50 रुपए है। यहाँ पर बहुत से अलग अलग टाइम पर शो भी होते रहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर जरूर आए, आपको बहुत मजा आएगा। यह सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। आज की वीडियो को खत्म करने का वक्त आ गया है, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। हम अभी पार्ट 2nd और 3rd में कम से कम दिल्ली के 25 से 30 और जगहों को एक्सप्लोर करने वाले हैं और पूरी दिल्ली का टूर बजट बताने वाले हैं। तो आगे और भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।